हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिब्बत अकेडमी। तो बच्चों, वीआईटी का एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने अपना शेड्यूल को रिलीज़ कर दिया है। बिल्कुल बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीआईटी 2023 का काउंसलिंग प्रोसेस को बताऊंगा, ठीक है ना, रिजल्ट डेट को बताऊंगा, ठीक है बच्चों, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, साथ में शेड्यूल को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। वीआईटी जितना साफ सुथरा बनने की कोशिश करते हैं उतना साफ सुथरा नहीं है, रियलिटी में बात कुछ और होती है। जब आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको रियलिटी खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है बिना स्किप के, ठीक है बच्चों। सो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभी आपका VIT का एग्जाम ही गोइंग ऑन था, 17 ऑफ अप्रैल से लेकर के 23rd ऑफ अप्रैल तक एग्जाम ही चला है। लेकिन बच्चों, रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने काउंसलिंग शेड्यूल में रिजल्ट डेट बताया है 26 ऑफ अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एग्जाम खत्म होने के 3 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो इन्होंने शेड्यूल रिलीज किया है, इन्होंने अपने शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिवली डेट्स हैं, और टेंटेटिव डेट्स का मतलब ये होता है कि मे बी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। बट बच्चों, जिस तरीके से इन्होंने पांचों फेज का लिखा हुआ है, द चांसेस आर लेस कि ये चेंज हो, हम इसी को कंफर्म मान करके चलते हैं। अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अगर नया शेड्यूल आएगा तो उसे भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो पांच फेज में काउंसलिंग होता है, ठीक है, फेज वन से लेकर के फेज फाइव तक, ठीक है ना। अब ये जो फेजेस डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रैंक, ठीक है। तो बच्चों, फेज वन में 1 से लेकर 20,000 रैंक वाला बच्चा तक जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। फेज टू में 20,000 से अबव से लेकर के 45,000 रैंक वाला बच्चा तक जो है वो रजिस्ट्रेशन यानी कि पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद बच्चों, फेज थ्री में 45,000 से अबव से लेकर के 70,000 रैंक तक वाला बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और बच्चों, फेज फोर में आपका 70,000 से लेकर के 1,00,000 रैंक तक वाला बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। और लास्ट फेज है यानी कि फेज फाइव, ठीक है। तो फेज फाइव में मोर देन 1,00,000 यानी कि 1,00,000 से लेकर के कितना भी रैंक हो, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक और भी चीज है कि मान लो आपका रैंक जो है वो 1 से लेकर के 20,000 के बीच में है, और आप लोग फेज वन काउंसलिंग मिस कर देते हो, हालांकि इस वीडियो को देख रहे हो, तब तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है ना, हम लोग हर एक यही देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि आप लोग फेज टू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं होगा। तो बच्चों, फेज फाइव तक डिवाइड किया हुआ है, फेज वन से लेकर के फेज फाइव तक डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रैंक, ठीक है। तो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा शेड्यूल को समझ लेते हैं। फेज वन का इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट टू पे काउंसलिंग फी जो है वो 28 ऑफ अप्रैल तक चल रहा होगा, ठीक है। इसके लिए बच्चों, 26 ऑफ अप्रैल के शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों, आप लोग जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद जाकर के पोर्टल में ही फी पे करने का ऑप्शन आएगा, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी, ठीक है। तो वो आपको पे कर लेना है फेज वन के लिए, 28 ऑफ अप्रैल तक का लास्ट डेट दिया हुआ, ठीक है। ये फी पे कर लोगे, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल लगता है, आपका रैंक कितना भी हो, अगर सही से चॉइस फिलिंग करोगे तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट ब्रांच और बेस्ट से बेस्ट कैंपस, साथ में बेस्ट से बेस्ट कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है ना। कैटेगरी सिस्टम क्या है उसे भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, फेज वन का चॉइस फिलिंग का डेट दिया हुआ है 29th ऑफ अप्रैल से लेकर के 30 ऑफ अप्रैल के बीच में, यानी कि एक दिन का समय दिया हुआ है चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। उसके बाद बच्चों, फेज वन का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 2nd ऑफ मई को, ठीक है। देन बच्चों, सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आने के बाद जाकर के आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिला होगा उनको फी पे करना होगा, एडवांस फी, फिर अगेन से आपको लॉग इन करना है पोर्टल में, आपका एडवांस फी पे करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आप लोग पे कर सकते हो। नहीं पे करोगे तो फिर सीट कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है ना। और बच्चों, एडवांस फी पे करने का फेज वन का लास्ट डेट है 8 ऑफ मई तक, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुका होगा फेज वन में, ठीक है, उन्हें तो फी पे कर लेना है, बाकी फर्दर प्रोसेस उनका ऑफलाइन जाकर के ही होगा, वो लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, मैसेज के थ्रू बता देंगे कि कब आपको कैंपस में विजिट करना, ठीक है। लेकिन बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिला होगा उनको कुछ भी नहीं करना है, वो लोग फेज टू के लिए एलिजिबल होंगे, फेज टू में फिर से चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं अगर वो करना
करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया है। इसी तरीके से पांचों फेज का इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी बच्चों शेड्यूल को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट बातें को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, वीआईटी में जो है वो आपका कैटेगरी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी डिवाइडेड है, कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 5 तक डिवाइडेड है। बट बच्चों, कैटेगरी जो डिवाइडेड है दैट डिपेंड अपॉन द फी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दैट बेस ऑन द फी स्ट्रक्चर, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट कैटेगरी 1 में अगर आप लोग एडमिशन लेते हो तो उस केस में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, कैटेगरी 2 में 3 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, कैटेगरी 3 में 4 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, कैटेगरी 4 में 4.5 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, और बच्चों कैटेगरी 5 में 5 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है कि कैटेगरी यहाँ पे है, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5 तक है, बट बच्चों बेस्ड ऑन द फी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। देखो बच्चों, हमने वीआईटी पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है, लास्ट 3 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, इस ईयर भी हमने काफी वीडियो कवर कर रखा है। इनका मेन कैंपस वेल्लोर वाला कैंपस है, उसका भी हमने कट ऑफ वगैरह रिव्यू वगैरह डाल रखा है, चेन्नई का भी डाल रखा है, भोपाल का भी डाल रखा है, अमरावती का भी डाल रखा है, ठीक है। वीआईटी 2023 का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उन सारे वीडियो को देख लेना, ठीक है। बाकी बच्चों वीआईटी की बात करेंगे तो इनका मेन कैंपस है वेल्लोर कैंपस, ठीक है ना, काफी सारे ब्रांचेस आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। वेल्लोर कैंपस के बाद बच्चों नंबर आता है चेन्नई कैंपस का, चेन्नई कैंपस के बाद इनके 2 और कैंपस है भोपाल और अमरावती, ठीक है ना, दोनों इक्वल लेवल पे है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो किसी में भी जा सकते हो, दोनों इक्वली है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये 4 कैंपस तो हो ही गया, मैंने बता ही दिया है, कैटेगरी का भी मैंने आपको बता ही दिया है। मेरा एक पर्सनल सेशन होगा कि आप लोग जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैटेगरी 2 तक ही जाना, ठीक है ना। कि बच्चों अगर आप लोग कैटेगरी 2 के बाद जाओगे, ऊपर जाओगे, तो कैटेगरी 3 में आपको 4 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा, और बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट फी है, इसके अलावा आपका रहने वहने का भी खर्च पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसे पड़ जाता है। सो यही है कि अगर आप लोग लोन वोन लेकर के जा रहे हो तो इतना ज्यादा पे मत करना, कैटेगरी 3, 4, 5 में जाओगे तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ लेना, बाकी फैमिली कंडीशन बेस्ट है, 5 लाख रुपीज पर ईयर का पे कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। वेल्लोर कैंपस इनका बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेना, ठीक है ना। बाकी चॉइस लिंग इंपॉर्टेंट है। एक और बात भी है बच्चों कि वीआईटी जो है वो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में जो है काफी चीजें हाइड करता है, ये अपना कट ऑफ भी रिलीज नहीं करेंगे। साथ में बच्चों हर एक फेज होने के बाद जाकर के नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है ये भी ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना। इवन बच्चों ये अपने वेबसाइट पे ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.98 लाख रुपीज ही पे करना पड़ता है, कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि काफी बातें झूठ बोलते हैं ये लोग, इसीलिए इन्हें प्यार से जो है वो चो यूनिवर्सिटी के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ठीक है, आपने एग्जाम दिए हो, आपको एडमिशन लेना है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके एडमिशन लेना। इसके अलावा और भी ऑप्शंस, बेटर बेटर ऑप्शंस है, अगर आप लोग कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 में जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ करके जाना, ठीक है। बाकी बच्चों एक यही है कि देखो आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया है, रैंक आ गया है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब देखो बच्चों, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो काउंसलिंग को सही से अटेंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका चॉइस प्लिंग, ठीक है। आपका रैंक कोई सा भी हो, अगर आप लोग सही से चॉइस प्लिंग नहीं करोगे तो बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कैंपस और बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैटेगरी में एडमिशन नहीं होने वाला है। हमने बच्चों लास्ट ईयर काफी बच्चों को देखा था कि उनका अच्छा रैंक था, ठीक है, उनको जो है वो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन वो एडमिशन लेकर के जा रहे थे कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 में, ठीक है। सो बच्चे के पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी गलती मत करना। लास्ट 3 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं बच्चों, 2020 से पहले तक जो है वो इनका काउंसलिंग प्रोसेस ऑफलाइन चलता था, लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन चलने लगा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें ध्यान से रखना, ठीक है। बाकी बच्चों पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ये इकलौता चैनल होगा जहां पे आपको एक एक वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, कट ऑफ क्या है। जबकि बच्चों ये आपको वीआईटी भी नहीं बताने वाला है क्योंकि ये कुछ भी रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों हम लोग लास्ट 3 से 4 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमें पता है कि कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करेंगे करेंगे, साथ में बच्चों हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही बच्चों हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर के सबसे पहले कॉल पे आप सभी के सारे क्वेरी को सॉल्व किया जाए
जाएगा। उसके बाद बच्चों अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है, जब तक कि आपको सीट नहीं मिलता है, तब तक आप हमारे टच में होंगे, आपके रेगुलर क्वेरी को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। साथ में बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाई जाएगी कि बच्चों आपका कंडीशन क्या है, किस कैटेगरी तक जा सकते हो, कौन से कैंपस में लेना है, कितना रैंक है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाई जाएगी। हम लोग खुद अपने हाथों से आप लोगों की चॉइसनिंग करेंगे, ठीक है, जिससे कि गलती होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। और बच्चों अगर हम लोग खुद करेंगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच आपको मिलेगा, ठीक है। और बच्चों ये सारा फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही मिल रहा है। लेकिन बच्चों स्टार्टिंग में ही प्राइस इतना कम होगा, बाद में इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में इसलिए प्राइस कम रख रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे की हम हेल्प कर पाए, जिनका कंडीशन उतना बेटर नहीं है उनकी भी हेल्प कर पाए, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, ब्रांच और कैटेगरी आपको मिल जाएगा। और नहीं बाय करोगे तो एडमिशन हो ही जाने वाला है, ठीक है ना बच्चों। इवन आपका भोपाल और अमरावती में ना कितना भी रैंक है आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में पक्का पछताओगे, ये 100% है, ठीक है ना। वीआईटी के अलावा भी आपके पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, एसआरएम है, मणिपाल है, लेकिन बच्चों के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सारी जानकारी आपको हम देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और बात भी है कि देखो अगर आपका 1 लाख से कम रैंक है, इसमें आप लोग वीआईटी के चारों कैंपस, इट मींस वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती चारों के लिए एलिजिबल हो। लेकिन बच्चों अगर आपका रैंक जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, उस केस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ भोपाल और अमरावती के लिए ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो बच्चों इतना कुछ बता दिया है आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग। बेसिकली यही है कि वीआईटी कुछ भी नहीं बताएगा, चोर यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें हाइड एंड सीक में खेलता है, ठीक है। लेकिन बच्चों आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इनके थ्रू तो आपको कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लो, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, कैंपस और कैटेगरी और ब्रांच आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी बच्चों पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ए टू जेड वीडियो आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ भी डाल दूंगा काउंसलिंग शेड्यूल वाला, वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय।